Good morning, students. Welcome to the Bishop School online class. Today we are going to learn drawing, and lecture is for the standard 6. A 6 का first topic है. आपको याद होगा जब आप 5th में थे तब हम लोगों ने basic lines सीखे थे, right? तो अभी हम लोग यहाँ पे भी कुछ basic चीजें सीखेंगे पर कुछ अलग तरीके से. जो हम लोगों ने basic lines सीखे थे उसका यूज करके हम लोग आज सीखने वाले हैं लाइन ड्राइंग. तो आज का टॉपिक है लाइन ड्राइंग. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आपको 4A साइज की ड्राइंग की बुक लेनी है, ओके. उसके बाद आपको कंपलसरी इंडेक्स फिलअप करना है. यहाँ पे दिया है डेट, तो आज की डेट क्या है वो यहाँ पे डेट लिखना है. और टॉपिक क्या है, लाइन ड्राइंग, ओके. अभी आते हैं टॉपिक पे. इस तरह से पेज लिया, ओपन किया. अभी आप बताओ क्या करना है हम लोगों को, कोई बताएगा? हम लोगों को यहाँ पे करना है मार्जिन, ओके. तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. हमेशा याद रखना है मार्जिन लाइन पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट करना है. अच्छे से स्केल का यूज करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है. मार्जिन लाइन ड्रॉ करके होने के बाद जो टॉप का पोर्शन है वहां पे हम लोगों को डेट और टॉपिक लिखना है. हम लोगों ने इंडेक्स में भी डेट लिखा है और टॉपिक लिखा है, कि हम लोगों को यहाँ पे वापस से डेट और टॉपिक लिखना है. तो आज की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है और टॉपिक लिखना है लाइन ड्राइंग, ओके. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अभी लाइन ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक सीनरी ड्रॉ कर रही हूँ. ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया कुछ इस तरह से. सीनरी ड्रॉ करना सबको आता है, करेक्ट? मैंने यहाँ पे सिंपल से सीनरी, फिर मैंने क्लाउड दिखाए, देख सकते हो आप. मैंने यहाँ पे सिंपल से सीनरी ड्रॉ किया है. अगर मुझे लाइन ड्राइंग करना है तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसमें कलरिंग करने वाले हूँ. अभी आप सोचोगे मिस ये क्या बोल रही है, यहाँ पे सीनरी ड्रॉ किया है और पेंट कलर यूज नहीं करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्केच पेन, ओके. तो शुरुआत करते क्लाउड से. मैंने अभी यहाँ पे लिया है ब्लू कलर का स्केच पेन, लाइट ब्लू, और कर्व लाइन में लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया. कुछ इस तरह से दूसरा क्लाउड भी फिलअप करना स्टार्ट किया. कुछ इस तरह से देखो, दोनों लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस आएगा. आपको 5th स्टैंडर्ड की याद आ रही होगी ना, मिस ने ये सिखाया था फर्स्ट टॉपिक के, लाइन ड्रॉ करना है, ये करना है, ये हो गया. अभी मैंने यहाँ पे स्काई कलर करना है, इसके लिए मैंने जो ब्लू कलर है डार्क वो लिया. नॉर्मल अगर आप स्काई में देख रहे हो जो क्लाउड होते हैं एकदम लाइट होते हैं या फिर डार्क होते हैं, क्लाउड लिया है. अभी मैंने यहाँ पे कर्व लाइन स्टैंडिंग लाइन की तरह ड्रॉ किया है. अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ स्लिपिंग लाइन. अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है आपको. इसमें नए पेंट कलर यूज करना है, बस आपको यूज करना है स्केच पेन. स्केच पेन अगर नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो,
कलर पेंसिल, कलर पेंसिल यूज कर सकते हो, क्रेयॉन कलर्स, लेकिन क्रेयॉन कलर्स अगर यूज कर रहे हो तो उसको कलर पूरा फिलअप नहीं करना है, इस तरह से लाइन ड्राइंग ही करना है। देखिए किसी अच्छे से लाइन आ रही है, तो जहां पे माउंटेन स्टार्ट हो रहा है वहां पे मेरी लाइन खत्म हो रही है, ये भी पोर्शन फिलअप करना है कुछ इस तरह से। ओके, अभी मैंने लिया ग्रीन कलर। ओके, मैं फिलअप करने वाली हूँ यहाँ पे। अभी ग्रीन कलर में कौन सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले है, कुछ गेस कर सकते हो? देखते हैं कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कौन सी, स्प्रिंग लाइन। अब चाहिए वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे स्प्रिंग लाइन किया है तो कुछ आप अलग कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। हम लोग को लाइन ड्रॉ करके ही इसमें इफेक्ट देना है कि हमने कलर फिलअप किया है। अभी आते हैं माउंटेन के पास। जब हम लोग माउंटेन देखते हैं बहुत दूर है तो वो लाइट कलर में दिखते हैं, तो इसके लिए मैंने जो लाइट ग्रीन है वो लिया है। कुछ इस तरह से जो माउंटेन का शेप है उसी शेप में मैंने लाइन ड्रॉ किया है। क्यों मैंने ये शेप में लाइन ड्रॉ किया है, ताकि वो जो माउंटेन है उसका जो शेप है वो प्रॉपर दिखे। कुछ इस तरह से ये माउंटेन के पास आते हैं। देखो मेरा हाथ कितना फास्ट चल रहा है, आप जब करने वाले हो आपके साथ भी सेम ऐसे ही होने वाला है। फिर आप मुझे बताना ड्राइंग करते वक्त आपने कितना एंजॉय किया। अभी ट्री के पास वापस आते हैं। अभी ट्री और ये पोर्शन है जो मुझे पूरा फिलअप करना है, इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अच्छे से लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान में रखना है कि दोनों में गैप लगभग सेम ही रहे। आपको पता है ये ड्राइंग की खासियत क्या है, ये ड्राइंग करने से अपने पेशेंस बढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग एक जगह पे तो बैठ नहीं सकते हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ कूदते रहते हैं, लेकिन ड्राइंग ये एक ऐसा है कि उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रख के कलरिंग करना पड़ता है या कुछ ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत पेशेंस लगते हैं, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। देखिए इस तरह से हमारे ये लाइन ड्राइंग हो गया, हो गया। पर अभी ये लाइन ड्राइंग जो हुआ है वो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करने वाली हूँ, मैं ब्लैक स्केच पेन यूज करने वाली हूँ और ये जो है पोर्शन को आउटलाइन देने वाली हूँ, ताकि इससे मेरा ड्रॉइंग और अच्छा दिखे। आप पहले भी आउटलाइन कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। मैं हमेशा बाद में ही करती हूँ। क्यों बाद में, तो कि कलर जो बाहर जाता है उसको हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। जब ड्राइंग में मिस्टेक्स होती है वो खुद को ही कवर करना आनी चाहिए। कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, ओके। फिर मैंने और उसको अच्छा दिखने के लिए ये जो मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ की है उसको भी मैंने ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन किया, ताकि मेरा ड्राइंग और अच्छा दिखे।
तो कुछ इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ये है लाइन ड्राइंग। ओके, अभी आपको इसके घर पे प्रैक्टिस करनी है, आपको आपके बुक में अच्छे से करना है, आपको बुक यूज करनी है ड्राइंग की, कौन से साइज की, 4A साइज की बुक यूज करना है, मार्जिन ड्रॉ करना है, इंडेक्स फिलअप करना है और पेज पे मार्जिन ड्रॉ करने के बाद टॉप पे डेट टॉपिक लिखना है। ओके, कलर इसमें यूज नहीं करना है, स्केच पेन क्रेयॉन पेंसिल कलर से सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। ओके, और आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो ये इस तो अभी अब हमारा यहाँ पे टॉपिक पूरा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।